ऐसा कहते हैं कि द्वारिका में एक बार रुक्मिणी और आदि रानियां ने, और भी भगवान की जो अष्टपट रानियां थी, उन्होंने देवकी से कहा कि सुना है कि राधा से बहुत प्रेम किया कृष्ण ने, तो वो प्रेम कैसा था हम जानना चाहते हैं। तो माता देवकी ने कहा कि देखो, अगर कृष्ण ने राधा का नाम सुन लिया तो व्याकुल हो जाएंगे, हो सकता है कि यहां से जाने का प्रयास करें वृंदावन के लिए, तो पहले चारों तरफ दृष्टि डालो तो कृष्ण तो नहीं है। तो चारों तरफ देखा गया कि घर में ना कृष्ण है ना बलराम है, कोई और नहीं है, देवकी माता है और अष्टपट रानियां हैं। तो देवकी मैया ने कहा कि पहले रुक्मिणी से कि ये बताओ कि तुम्हारे मन में ये प्रश्न आया कैसे कि आज तुम्हें राधा के विषय में जानना है। प्राय लोगों को ईर्ष्या होती है, जलन होती है, भाई कोई पत्नी को अगर ये पता चल जाए ना कि हमारे पति इन्हें चाहते हैं तो वो उनकी कथाओं को क्यों सुनेंगे, तुम क्यों सुनना चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि रात्रि में जब कृष्ण शयन करते हैं तो अक्सर उनके मुख से सुना है कि वो राधा 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 करते हैं। तो हमारे मन में आया कि ये राधा कौन है कि मेरे से विवाह होने के बाद भी आज भी ये राधा को भूल नहीं पाए, ये प्रेम कैसा था। तो कहते हैं कि मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया और राधा कृष्ण के प्रेम का वखान माता देवकी करने लगी कि वृंदावन में, भांडीर वन में बचपन में राधा कृष्ण मिले हैं और एक दूसरे से प्रेम किया, एक दूसरे से ऐसा भी नहीं था कि अलग रहने का कभी विचार किया था, वो भी नहीं था। राधा तो कृष्ण के बिना एक पल रहना भी नहीं चाहती थी। जब कृष्ण गोवर्धन की तलहटी में गाय चराने जाते थे तो बरसाने से राधा आया करती थी, सदैव साथ रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा, कंस को मारने के उद्देश्य से जब वृंदावन को छोड़ा तो राधा और जितनी राधा की अष्ट सखियां थी वो सब छूट गई। कुछ सखियों ने तो अपना जीवन त्याग दिया। जिस दिन कृष्ण भगवान ने वृंदावन छोड़ा तो कुछ तो वन में बिछड़ जाती हैं और कुछ घर वापस आती हैं, रोज द्वार सजाती हैं, रोज कलश सजाती हैं, दीपक जला के रखती हैं, पुष्पों से पत्तों से घरों को सजाती हैं, आज कृष्ण आएंगे, आज कृष्ण आएंगे। जब कभी सखियां राधा आपस में मिलती हैं तो कोई सखी कहती है कि आज कृष्ण को सपने में देखा, तो राधा कहती है कि तू तो बड़ी भाग्यशाली है कि तूने कृष्ण को आज स्वप्न में देखा, मेरी तो ये आंख कभी बंद ही नहीं होती, हमें तो कभी नींद आती ही नहीं है जो कृष्ण सपने में आए। ये बात माता देव की कृष्ण भगवान के अष्टपट रानियों को बता रही हैं कि उनका ऐसा प्रेम था। उद्धव जी जब वृंदावन में मिलने आए, गोपियों से मिले, गोपियों को समझाया, कृष्ण का पत्र जब उनको सुनाया तो गोपियों ने कहा हे उद्धव, कृष्ण याद तो करते हैं, वो रास विहार का दिन उनको याद तो है ना, हमें वो भूल क्यों गए, परसों की कहकर गए, आज बरसें हो गई हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए, क्या कृष्ण कभी मिलने आएंगे, क्या ये आंखें कभी उनका दर्शन कर पाएंगी, क्या हमारी प्रतीक्षा का कभी अंत होगा। तो उद्धव जी ने कहा कि गोपियों, तुम इतना प्रेम कृष्ण से करती हो, अगर तुम इस तरह करोगी, ऐसे रुदन करोगी तो एक दिन मिट्टी में मिल जाओगी, क्या मिट्टी में मिलने का इरादा है। तो गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, ये तन मिट्टी में मिल जाएगा, मन उसके बाद भी कृष्ण से प्रेम करेगा। जब तन मिट्टी में मिल जाएगा और तुम कान लगाकर सुनोगे ना तो कृष्ण कृष्ण की आवाज आएगी। अगर मेरे तन को जला दिया जाएगा ना
तो उस राग से भी कृष्ण कृष्ण की याद आएगी। मेरे मरने के बाद भी ये मन कृष्ण को चाहता रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि परसों आएंगे, तो हमें इंतजार है उनके आने का। वो कहकर गए हैं ना, वो मिथ्या नहीं हो सकता, वो आएंगे। तो कहा कि रुक्मिणी इतना प्रेम करती थी गोपियां कृष्ण से, राधा जी कृष्ण से, लेकिन कभी भी कृष्ण का वहां वापस जाना नहीं हुआ। तो उस विरह में कृष्ण आज तक राधे 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 करते रहते हैं। ये जब कथा सुना रही थी देवकी मैया अष्टपट रानियों को, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कभी कभी यो कहते हैं ना कि आप लोग स्वतंत्र हैं, अभी जा भी सकते हैं। वक्ता सब लीलाओं को अपने हृदय में संजोता है और फिर अपने मुख से बखान करता है। तो ये अष्टपट रानियों को बता रही थी कि आज भी कृष्ण को ये हृदय में है कि हम राधे से मिले नहीं, ब्रजवासियों से मिले नहीं, गोपियों से मिले नहीं। जो यशोदा मैया कहती थी ना कि लाला तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहेगी, ये माँ अगर मुझे छोड़ के जा रहे हो ना तो ये समझ लेना कि ये माँ जीवित नहीं बचेगी। उस माँ से ये दोबारा नहीं मिले हैं। बोले इतना याद करते हैं वृंदावन को, राधा को, गोपियों को, कि अगर सुन लिया तो कृष्ण वृंदावन की ओर प्रस्थान कर जाएंगे और तुम सबको छोड़ देंगे, इसलिए राधा का नाम तुम कभी उनके सामने मत लेना। इधर ये बातें कर रहे हैं, पहले बलराम जी आ रहे हैं, फिर सुभद्रा आ रही है और सुभद्रा के साथ में कृष्ण भगवान। ये जितनी बात आपको मैं बता रही हूँ यही इसी तरह की वार्तालाप मुख्य दरवाजे पर ये तीनों लोग सुनते जा रहे हैं। और सुनते सुनते कृष्ण भगवान प्रेम में इतने पिघल गए, सुभद्रा इतनी पिघल गई, बलराम जी इतने पिघल गए, वही रूप आपको जगन्नाथपुरी में दिखाई देता है। भगवान रोने लगे, नेत्र बाहर आ गए, हाथ छोटे छोटे हो गए। जिन लोगों ने दर्शन किया उनको अच्छे से पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान प्रेम में पिघल गए, प्रेम के कारण ही भगवान बलराम और सुभद्रा ने अपना शरीर को पिघला दिया। प्रेम ऐसी वस्तु है।